ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के यादव धर्म कांटे के पास स्थित अंग्रेजी और देसी शराब दुकान के यहाँ अहाते के एक व्यक्ति को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण फिलहाल साफ नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या की गई है। हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने लाश रखकर मुरैना रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहन की लंबी कतारें लग गईं। मृतक श्याम सिंह हरे के परिजनों का कहना है कि शराब दुकान के सेल्समैन सतीश राजपूत सहित नरोत्तम पटेल और किशन राठौर ने श्याम सिंह हरे को इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्यारों ने अधेड़ उम्र के श्याम को जमीन पर बेहोश हो जाने के बाद भी लातों से मारा। परिजनों ने घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। खास बात यह है कि घटना के सीसीटीवी फुटेज भी अहाते के बाहर लगे कैमरे में कैद हुए हैं। इसमें 4-5 लोग श्याम को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी देर तक चले चक्का जाम के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को आश्वासन किया है कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण करने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। घटना के पीछे साफ कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन शराब के धंधे की रंजिश भी इस घटना के पीछे की एक अहम वजह हो सकती है, क्योंकि मृतक का भाई खुद शराब ठेकेदार रहा है। फिलहाल हजीरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक श्याम शिवहरे के बड़े भाई अशोक शिवहरे का कहना है कि मेरे भाई श्याम की शराब दुकानदार के स्टाफ ने बड़ी बेरहमी से मार पीट कर हत्या कर दी है। अशोक ने बताया कि मेरे भाई के मरने के बाद भी आरोपी उसे लातों से मारते रहे। हमारी पुलिस प्रशासन से मांगे हैं कि मेरे भाई के हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। हजीरा थाने के CSP रवि भदौरिया का कहना है कि आपसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की मार पीट कर हत्या कर दी है। मारपीट करने का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल हत्यारों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक के परिजनों को सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। कौन से मारते रहे, जो कि फुटेज भी है। यादव धर्मकांटे के पास में स्थित एक आते में आज एक घटना हुई है, जिसमें 4-5 लोगों के द्वारा एक व्यक्ति की मारपीट की गई और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। श्याम शिवरे नाम है, उम्र 48 साल के करीब है और इस घटना के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया है और FIR की कार्यवाही की जा रही है। परिजन में स्वाभाविक रूप से आक्रोश था, जिनसे बातचीत हुई है और समझाइश के बाद वो लोग अभी उनका अंतिम संस्कार करने अपने घर ले जा रहे हैं।